दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी ने करी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी में भारतीय टीम लग चुकी है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी करते हुए इस महामुकाबले में जीतने वाली टीम को नया घोषित कर दिया है और विजेता टीम की ताकत और कमजोरी के बारे में भी अवगत कराते हुए एक ऐसी टीम को जीत का प्रबल दावेदार बता दिया है जिसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर नरेंद्र मोदी ने किसको जीत का प्रबल दावेदार बताया, ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत की सरजमी पर होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाला है, जिसके लिए अभी से प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने मुकाबले में जीत की भविष्यवाणी कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को हराना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय टीम अपने घर पर महामुकाबला खेलने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम को हराना किसी के लिए भी आसान कार्य नहीं होने वाला है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी टीम वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सामने हारने के लिए भारत आ रही है, और भारतीय टीम के सामने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के पास में वो सभी ताकतें मौजूद हैं जिसके दम पर भारतीय टीम मुकाबले को जीत सकती है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारत को हराना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज के ऊपर काफी ज्यादा दायित्व रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज ही तो काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ में भारत के बल्लेबाजों को भी अपना बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान की टीम के पास में सबसे बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है, पाकिस्तान की टीम को उनकी गेंदबाजी के कारण जाना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को उनका पहचान करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम के लिए सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम को भी हार का डर पता नहीं लगेगा। अगर पाकिस्तान की टीम में छोटी सी भी गलती कर दी तो पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप के मुकाबले में देखने को मिला था कि भारतीय टीम को मुश्किल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने कुछ गलतियों के चलते फायदा पहुंचाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम को भारत की टीम हरा देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।